क्यूबॉइड का कल हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लीजिए हाउ मेनी प्लांट्स ईच ऑफ विच इज 2 मीटर लॉन्ग 3 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 6 मीटर लॉन्ग 18 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 44 सेंटीमीटर थिक। ये क्वेश्चन है, कितने प्लांट्स 2 मीटर लॉन्ग 3 सेंटीमीटर ब्रॉड और 4 सेंटीमीटर ठेक के बनाए जा सकते हैं एक वुडन उससे। तो सॉल्यूशन में अब आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ईच प्लांट। सबसे पहले ईच प्लांट का वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। इसकी एल लेंथ दी रखी है 2 मीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। तो इक्वल बनाने के लिए इसे लिख लेंगे 200 सेंटीमीटर इंटू 3 इंटू में 4। ये प्लांक का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन इसके लिए यूनिट सेम करनी जरूरी है। यहाँ 2 मीटर था तो इट विल बिकम 200 सेंटीमीटर, ब्रॉड 3 सेंटीमीटर और थिकनेस 4। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ प्लांक। किससे बनाया गया है, वुडन ब्लॉक से। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक भी निकाल लें आप, वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक में भी ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो 6 मीटर है तो इसके सेंटीमीटर बनाएंगे 600 इंटू 18 और इंटू में 44। ये भी किस में हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में। यानी क्वेश्चन में वॉल्यूम या कोई भी एरिया या वॉल्यूम फाइंड आप कर रहे हैं तो यूनिट का सेम होना जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम कर लेंगे आप। दोनों के वॉल्यूम आपने निकाल लिए, देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर वुडन ब्लॉक में से कट किए गए प्लांट्स, तो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम न्यूमरेटर में लिखेंगे इंटू 44। ये 600 इंटू 18 इंटू 44 और इसे डिवाइड कर देंगे किसके वॉल्यूम से जो फाइंड कर रहे हैं प्लांक। तो प्लांक का वॉल्यूम क्या है, 200 इंटू 3 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई करें, 200 से ये 3 पे कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये 11, क्या बच गया आपके पास 18 इंटू 11। तो ये आपके पास आ गया 198 प्लांक्स। इसका मतलब जो वुडन ब्लॉक है 6 मीटर लेंथ का, 18 सेंटीमीटर ब्रेथ का और 44 सेंटीमीटर थिक का, इससे जो इस साइज के प्लांक है वो कितने बनाए जा सकते हैं, 198। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हैं जिसमें क्यूब और क्यूबाइड दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं क्यूबाइड और क्यूब में क्या रिलेशन। अगर फॉर्मूले को ही देखें तो इनके फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आप देखें क्योंकि क्यूबाइड का वॉल्यूम था एल इंटू बी इंटू एच, लेकिन क्यूब के सभी एजेस इक्वल होते हैं, इसलिए मान लेते हैं लेट एज ऑफ क्यूब अगर आपने मान लिया ए तो ये हो गया ए इंटू ए इंटू ए यानी ए क्यूब, वेयर ए इज द एन एज ऑफ द क्यूब। इसी तरह इसका एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसका लेटरल सरफेस एरिया था 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू में एच क्यूबाइड का, लेकिन यहां एल बी और एच सभी इक्वल हैं और वो क्या है, किसके इक्वल है, एज ऑफ क्यूब एक के। तो इसलिए यहां भी ए लिखेंगे प्लस ए, तो ए और ए 2a, 2a को 2a से, 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, लेकिन यहां भी a तो ये भी बन जाएगा 4a स्क्वायर। यानी यहां भी 2 लिखेंगे, यहां भी a और यहां भी a। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आगे बेटा, 2
into 2a into a, and it will become 4a square. इसलिए lateral surface area cube का होगा 4a square. Similarly, total surface area जो cube का है वो होगा 6 into a square. इसके अलावा हमने आपको एक और कंसेप्ट बताया था कि इसका पेरीमीटर या लेंथ ऑफ द ऑल एजेस इन द क्यूब वो होगा 12a. तो अब हम इससे क्यूब और क्यूबॉइड दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं. मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल बॉक्स has each end 10 centimeter and another cubical box and another cubical की जगह एक cuboidal box है, cuboidal box is 12.5 centimeter long, comma 10 centimeter wide, and 8 centimeter high. 8 centimeter high. अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि which box has a greater lateral surface area. पहला क्वेश्चन है which box has greater lateral surface area and how much और कितना है, किसका lateral surface area जाता है और कितना है, या ये पूछ ले किसका volume जाता है कितना है, ये पूछ ले इसका टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है. तो आपको केवल सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले तो आपको क्यूबिकल बॉक्स का निकालना है. तो एज ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, एज ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. अब लेटरल सरफेस एरिया को कंपेयर करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर ही अप्लाई कीजिएगा. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का निकालें, तो एल हमारे पास एल ऑफ क्यूबाइड है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है बी ऑफ क्यूबाइड ये 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर. इधर 12.5 लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर. तो अब इसका भी लेटरल सरफेस एरिया निकालें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्यूबाइडल, क्यूबाइड का फॉर्मूला लगेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल जो है ना बॉक्स, फॉर्मूला है इसका 2 L + B × H. तो क्या सॉल्व हुआ, 2 एज इट इज, L है आपके पास 12.5 प्लस B 10 इंटू H 8. इसको अगर आप सोल्व करें तो ये हो गया 2 इंटू में 22.5 इंटू 8. इसका डेसिमल अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो अपॉन में क्या लगेगा 10, 2 से 5 पे कैंसिल, फिर 5 से ये 45 इंटू 8 इसे मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ गए 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. 45 इंटू 8 क्या आ गया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना आया 400. तो इसने ये पूछा किसका जाता है, तो किसका जाता है,
क्यूब का कितना जाता है 400 - 36। तो आप लिख सकते हैं हैंस या देयर फॉर एल एस ए ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर बाय कितने ज्यादा है 400 - 360 इट विल बिकम 40 cm² कितना ज्यादा है 40 cm². तो लेटरल सरफेस एरिया को अगर कंपेयर करवाता है तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का ज्यादा है किससे डिवाइडर बॉक्स से और कितना ज्यादा है 40 cm². अगर टोटल सरफेस एरिया को कंपेयर करता है करवाता है तो टोटल सरफेस एरिया को कंपेयर कर देंगे या वॉल्यूम को करवाता है मान लीजिए इसके तो वॉल्यूम को अगर हम निकलवाए तो वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ए क्यूब यानी 10 × 10 × 10 इट विल बिकम 1000 cm³। जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा यानी जो क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम है वो तो 1000 cm³ हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच होता है तो यहाँ पे एल है 12.5 या इसको लिख सकते हैं 125/10 × 10 और इंटू 8। इसको भी सिंप्लीफाई करिए कैंसिल 125 × 8 8 × 5 = 40 20 1000 cm³। तो अगर आपको ये कहता है भी क्यूब का और इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम दोनों का सेम है 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ गया। इसका मतलब देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स या वॉल्यूम ऑफ द बोथ आर सेम सेम। तो इस तरह भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हो सकता है आपको क्यूबॉइड और क्यूबिकल बॉक्स दे रखे हो या सिर्फ क्यूबॉइड दे रखा हो तो आप क्यूब के केस में सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब में एक ही डिफरेंस है कि क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो सकती है लेकिन सभी एजेस क्यूब के इक्वल होते हैं। इसलिए इसी फॉर्मूले में अगर हम एल बी और एच को एक टर्म लिखेंगे मान लीजिए ए लिख रहा है मैंने तो ये फॉर्मूले आपके पास आएंगे और इससे फिर आप दोनों के कंप्लीट क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी करा दिए, एक और देखते हैं। प्रूफ के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। जैसे ये आ जाता है प्रूव करें ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिएगा द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस द एरिया ऑफ एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर A1, A2 and A3। तीन एडजेसेंट फेसेस के क्यूबॉइड के जो है ना एरिया है A1, A2, A3 इफ वॉल्यूम इज वी इफ volume is V then prove that A1 × A2 × A3 is equal to V² ये prove करें। तो cuboid के तीन adjacent faces के आपको areas दिए हुए हैं। तो पहले आप suppose कर लेते हैं कि क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट ए बी सी है लेट
लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर ए कॉमा बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ये मान लिया। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीन एडजेसेंट साइड्स ए बी सी है आपकी, तो जो ए वन है हमारे पास एरिया पहले एडजेसेंट फेसेस का वो हो गया ए इंटू बी यानी ए बी। इसी तरह ए टू आपके पास हो गया बी इंटू सी बी सी, और एरिया नंबर तीन क्यों, क्योंकि कल हम पहले ही पढ़ चुके थे कि क्यूबॉइडल बॉक्स के सभी फेसेस रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इसलिए जो भी फेस का आप एरिया निकालेंगे वहां फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब पहला जो फेस होगा उसकी लेंथ और ब्रेथ ये होगी, दूसरे की बी और सी होंगी, तीसरे की सी और ए होंगी, तो सी इंटू ए इट विल बिकम सी ए। अब बट एंड वॉल्यूम की बात करें, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वी अगर हम देखें तो ये होगा ए बी सी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देयरफॉर नाउ आप अब मल्टीप्लाई करें, नाउ ए वन इनटू ए टू इनटू ए थ्री, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ए वन है हमारा ए पी, ए पी को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी सी को और सी ए, इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए, ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ इसी तरह बी स्क्वायर बन जाएगा और इंटू सी स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, बी इंटू बी बी स्क्वायर है तो एक ही टर्म, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई का साइन इन्हीं टर्म्स के बीच में आता है तो एक सिंगल टर्म है, इनका प्रोडक्ट हो गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये ए बी सी का होल स्क्वायर। लेकिन ए बी सी क्या है, वी वॉल्यूम, तो इसलिए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था हमें कि भाई जो तीन एरियाज है, तीन फेसेस का जो एरिया का प्रोडक्ट है वो वी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरह से आप जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। अब आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं 13.1, क्योंकि उसमें सिर्फ क्यूबिकल या क्यूबॉइडल के लेटर सरफेस एरिया या क्या होमवर्क है, कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1 ऑफ एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच। टुमारो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक, या न्यू जो है ना सरफेस एरिया और वॉल्यूम नई फिगर का हम पता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।